दोस्तों आपको पहले ही पता है कि हम गढ़ों के गढ़ चित्तौड़गढ़ में घूम रहे हैं और यहाँ हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं। दिखाओ दांत। तो दोस्तों अब हम जहाँ जा रहे हैं ना उसे देख के वास्तव में आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी भाई साहब, इतनी जोर की फट जाएंगी ना आपकी आंखें, आंखें ही फटेंगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? और भाई साहब गजब की फट जाएंगी। मैं कहता हूँ कि ताजमहल भी कुछ नहीं है गाइस इसके आगे। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? नहीं, ये आप क्या किताबों में देखते हो, जो राजस्थान बोर्ड से पढ़े होंगे बचपन में, वो अपनी किताब पे इस चित्र को देख देख के बहुत बोर हो चुके होंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्नी। बस बट आप जब इसको रियल लाइफ में देखोगे ना गाइस, पागल हो जाओगे आप। क्या बढ़िया था गुरु, इतना गजब का अट्रैक्शन है इसमें। इसमें अंदर जाना भी बंद हो चुका है। आप मेरे हिंट से समझ ही रहे होगे क्या चीज़ है वो। मैं आपको अब दिखाता हूँ, काउंटडाउन शुरू करते हैं अपन इसके लिए। 3, 2 ओह माय गॉड, वाओ, इट सेज गाइस ये ही है वो, मतलब विजय स्तंभ, विजय का प्रतीक, और महाराणा प्रताप की तरह ये यहाँ पर सालों से, अब इस पर मतलब बिजली तक गिर चुकी है, उसके बाद में इसमें अंदर जाना बना हो गया है, बट फिर भी आप देख सकते हो। और ये किताबों पे आपको बहुत छोटा सा लगेगा बट आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा है। मैं इसके पास जाता जाऊँगा तो शायद ये एक फ्रेम में आएगा भी नहीं। अभी मैं इससे शायद कम से कम 200-250 मीटर दूर हूँ अभी इससे, और अभी ये इतना बड़ा लग रहा है और मैं इसके पास बढ़ रहा हूँ। और भाई साहब बहुत ही गजब की चीज़ है यार ये। दोस्तों और गाइस इस साल से यहाँ गाइस 2 मिनट बंद कर दियो, टिकट भी लगने लग गया है। दोस्तों बहुत ही गजब का है ये। ओए लंगूर। दोस्तों हमारे गौरव भैया खिला रहे हैं इसको। गाइस ये तो गुस्से में लग रहा है क्या? अच्छा अब नहीं खाएगा छोड़। गाइस ये तो नाराज होके चला गया है। और एक और बैठा है वहां पे और हमारी ताई भी है एक्सपेरिमेंट करने को, वो नहीं खाएगा। हमारी ताई और बुआ दोनों, वीडियो बन रही है गाइस, देखो कितने आराम से। भाई साहब देखो यहाँ पे बहुत सारे और हैं, और हमारे गौरव भैया उनके साथ लग पड़े हैं, देखो 3-3 लंगूरों के साथ में। देखो गाइस गाइस ये रहा एक, ये रहा और एक वो रहा, भैया के साथ खा रहे हैं ये। ये देखो कितनी आराम से खा रहा है, भैया का हाथ पकड़ के खा रहा है ये। बड़ा हरामी हो बेटा, ये थप्पड़ भी मार सकता है आपके, इससे सावधान रहे। बच्चे भी बैठे हुए हैं उधर, और हमारी चाची जिनको डर भी लग रहा है इसलिए उधर देख नहीं रही हैं। इधर इधर देख, इधर। और दोस्तों ये भिदक चुके हैं, अब यहाँ से दूर जाना ही हमारे लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि ये खोखा खींची खूखू खेखई बारह खड़ी पड़ने लग गए। क्या बढ़िया था गुरु। और आप तो इसको देखिए, ओ तेरी गजब का। यार इसकी इसको मतलब मैं दूर से तो तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। आपको अगर इसके बारे में जानना है ना कि क्या चीज़ है, तो आपको यहीं आना पड़ेगा गाइस, वरना आप कुछ नहीं देख सकते इसकी खूबसूरती। देख सकते हो बहुत शानदार है। आप शाम में आप हमें फोटो खिंचाना, आज उन पे और आज चल जल्दी चल जल्दी आओ। कहाँ पे? यहाँ इनसे भैया से इधर विजय स्तंभ पे जल्दी आओ, चारो ये तीनों ला चढ़ दिया आना। दोस्तों इसकी सुंदरता वास्तव में
गजब है यार, गजब की चीज है यार।